फ्रेंड्स, एग्जाम में रैंकिंग से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आते हैं उनको मैंने टाइप्स में डिवाइड किया है। टाइप वन पहले हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सेम रैंक नाइन्थ फ्रॉम दी टॉप एंड 38 फ्रॉम दी बॉटम इन आर क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी क्लास। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको रैंकिंग में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे गए हैं क्लास में, तो इनको मैंने टाइप वन में रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, सेम रैंक नाइन्थ फ्रॉम दी टॉप, तो टॉप से नाइन्थ रैंक है सेम की, और 38 फ्रॉम दी बॉटम, तो बॉटम से 38वीं रैंक है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे गए हैं क्लास में कितने हैं, ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 45, सेकेंड 46, थर्ड 47, फोर्थ 48 और फिफ्थ है नन ऑफ दिस। तो इन क्वेश्चंस को इजीली हम फॉर्मूला से कर सकते हैं, सिंपल से फॉर्मूला है, बट मैथ्स में काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हो जाते हैं जिनको हमें याद करना होता है, तो कई बार हम फॉर्मूलाज भूल जाते हैं। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये हमें समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर एक बार हम समझ गए तो उसको हम भूलते नहीं हैं, इस वजह से कॉन्सेप्ट हमें समझना है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से इसको सोल्व किया जाता है। फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्लास के बारे में बोला गया है और रैंक बोली गई है टॉप से और बॉटम से, डेट मीन्स हम एक रो मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक रो है, टॉप से और बॉटम से रैंक है किसकी, सेम की, मान लीजिए यहाँ पर सेम है, तो टॉप से रैंक कितनी है नाइन्थ और बॉटम से रैंक कितनी है 38, ठीक है। अब आप ये समझिए कि नाइन्थ अगर रैंक है टॉप से तो सेम के आगे कितने स्टूडेंट्स होंगे, भाई सेम की रैंक नाइन्थ है, डेट मीन्स यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे वो कितने होंगे 8, सेम के आगे कितने स्टूडेंट्स होंगे 8, और बॉटम से 38 रैंक है, ठीक है, बॉटम से 38 रैंक है, तो यहाँ पर सेम के पीछे, ठीक है, बॉटम से हम बात कर रहे हैं सेम की रैंक की, तो 38 है, सेम के पीछे कितने स्टूडेंट्स खड़े होंगे, भाई 38 सेम है तो 37 स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े होंगे सेम के पीछे, तो 8 और 37 कितना हो गया 45, ठीक है। ये तो स्टूडेंट्स हो गए सेम को छोड़कर 45, अब क्लास में सेम भी तो है, डेट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 46 स्टूडेंट्स हो गए, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 46, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में 46, 8 तो स्टूडेंट्स सेम के आगे खड़े हुए हैं, 37 स्टूडेंट्स सेम के पीछे खड़े हुए हैं, तो 8 प्लस 37 कितना हो गया 45, और क्लास में सेम भी तो है इस वजह से उसको भी तो काउंट किया जाएगा, तो 45 प्लस 1 कितना हो गया 46, तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब मान लीजिए जैसे आपको फॉर्मूला से सोल्व करना है, तो देखिए जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पर रैंकिंग दी जाए एक साइड से और दूसरे साइड से, कोई रो है जिसमें एक साइड से रैंकिंग दी जाए और दूसरी साइड से रैंकिंग दी जाए, और पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं या टोटल नंबर ऑफ जो भी पर्सनस हैं वो कितने हैं, तो क्या फॉर्मूला होगा, जो टोटल नंबर ऑफ पर्सनस होंगे वो होंगे लेफ्ट से जो रैंकिंग है और राइट से जो रैंकिंग है उनका एडिशन और उसमें माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप और बॉटम की बात हो रही है, तो लेफ्ट को आप टॉप मान लें, राइट को आप बॉटम मान लें, ठीक है। तो टॉप से कितनी रैंकिंग है सेम की नाइन्थ, तो यहाँ पर नाइन आ गया, और राइट डेट मीन्स बॉटम से कितनी रैंकिंग है 38, तो 38 यहाँ पर लिख देते हैं और माइनस वन करना है। देखिए यहाँ पर माइनस वन क्यों कर रहे हैं ये समझिएगा, भाई लेफ्ट और राइट से अगर हम ऐड कर देते हैं तो आप सोच रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, माइनस वन करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर सेम की जो रैंकिंग दी गई है टॉप से नाइन्थ है, बॉटम से 38 है, तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर सेम को हम टू टाइम्स काउंट कर रहे हैं, ठीक है, टू टाइम्स काउंट कर रहे हैं, तो दो बार गिना जा रहा है, इस वजह से हमने माइनस वन किया है ताकि जो काउंटिंग है वो सही आए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास में आए वो एग्जैक्ट आए, ठीक है। तो टू टाइम हम सेम को काउंट कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर माइनस वन कर दिया। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, नाइन प्लस 38 47, फिर माइनस वन, तो कितना आ जाएगा 46, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास में कितने आ गए 46। तो फॉर्मूला से आप कर सकते हैं, बट मैं ये चाहूँगा कि आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें, कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लें, अगर एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया तो भूलने के चांसेस नहीं होंगे। देखिए फॉर्मूलाज काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं मैथ्स में, तो कन्फ्यूज हम हो सकते हैं भाई कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठ गया तो भूलने के चांसेस है ही नहीं। अब चलिए टाइप वन से ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, अ क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड इन अ सिंगल लाइन, वन बॉय इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम
बोथ द एंड्स, हाउ मैनी बॉयज वर देयर इन द क्लास। तो यहाँ पर हमें जो बॉयज हैं उनको काउंट करना है, पूरी क्लास में बॉयज कितने हैं। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 27, सेकंड 37, थर्ड 38, फोर्थ 39, फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें एक लाइन है जिसमें बॉयज खड़े हुए हैं और सिर्फ रैंकिंग हमें एक ही दी गई है, 19th। ठीक है, वहाँ पर हमें प्रीवियस क्वेश्चन में टॉप से और बॉटम से अलग अलग रैंकिंग दी गई थी, यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही रैंकिंग दी गई है, 19th। तो मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, लेफ्ट यहाँ पर है, राइट यहाँ पर है, ठीक है। अब बीच में कोई बॉय खड़ा हुआ है जिसकी रैंकिंग हमें दी गई है 19th। तो ये जो 19th रैंक है वो लेफ्ट से भी है और राइट से भी है। तो सोल्व करते हैं, देखिए कितने बॉयज़ होते हैं क्लास में, ये फाइंड आउट करते हैं। 19th रैंक है उस बॉय की, डेट मीन्स उस बॉय के आगे कितने बॉयज़ होंगे, 18, ठीक है, और उस बॉय के पीछे भी कितने बॉय होंगे, 18, क्योंकि दोनों तरफ से रैंकिंग कितनी है, 19th। अब 18 प्लस 18 कितना हो गया, 36, बट हमने इस बॉय को अभी काउंट नहीं किया है, इसको भी काउंट करना पड़ेगा, तो इसको भी ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 37, ठीक है, कितना हो जाएगा, 37। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ की अगर हम बात करें क्लास में तो कितने होंगे, 37, डेट मीन्स ऑप्शन 2। फॉर्मूला में रख के आप सोल्व करना चाहते हैं तो देखिए टोटल क्या हो जाएगा, एल प्लस आर माइनस वन, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए अगर दोनों साइड से रैंकिंग दी गई हो। अब कंफ्यूज आप होंगे कि दोनों साइड से तो रैंकिंग दी नहीं गई, एक ही रैंकिंग दी गई है, बट ये जो रैंकिंग है वो दोनों साइड से है, इस वजह से हम लेफ्ट साइड से भी 19 मानेंगे और राइट साइड से भी 19 मानेंगे, उसमें माइनस वन करेंगे। देखिए 19 प्लस 19 कितना हो गया, 38, 38 माइनस वन कितना हुआ, 37। तो ईजीली आप जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हैं किसी जगह पर, किसी क्लास में, किसी ऑडिटोरियम में, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के या फिर फॉर्मूला ध्यान में रख के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 2 से है। इन अ रो ऑफ बॉयज जीवन इज 7th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 11th फ्रॉम द एंड। इन अनदर रो ऑफ बॉयज विकास इज 10th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 12th फ्रॉम द एंड। हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन बोथ द रोज टुगेदर। तो यहाँ पर भी हमसे टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए बोला गया है, भाई बोथ लाइन्स में जो बॉयज़ हैं उनको हमें बताना है कितने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके दिखाया गया है क्वेश्चन को, भाई दो रोज अलग अलग हैं, उनमें अलग अलग पर्सन्स के लिए जो नंबरिंग है, जो रैंकिंग है वो दी गई है, विकास और जीवन के लिए। तो मान लीजिए दो लाइन्स है, ठीक है, ये तो फर्स्ट लाइन है और सेकेंड लाइन ये है। फर्स्ट लाइन में जीवन के लिए रैंकिंग दी गई है स्टार्टिंग से, कितनी है, 7th है, ठीक है, स्टार्ट से कितनी रैंकिंग है, 7th, और एंड से कितनी रैंकिंग है जीवन की, 11th। और सेकेंड रो में कौन है, विकास है, तो स्टार्ट से कितनी रैंक है उसकी, 10th है, और एंड से अगर देखें तो कितनी रैंक है, 12th। तो दो लाइन है यहाँ पर बॉयज़ की, फर्स्ट में जीवन की रैंकिंग दी गई है, सेकेंड में विकास की रैंकिंग दी गई है। तो देखिए फर्स्ट लाइन में जीवन के आगे कितने बॉयज़ खड़े होंगे, भाई स्टार्टिंग से 7th रैंक है जीवन की तो 6 बॉयज़ यहाँ पर खड़े होंगे, और एंड से कितनी रैंकिंग है, 11th, डेट मीन्स 10 बॉयज़ जीवन के पीछे खड़े होंगे। टोटल यहाँ पर देखा जाए तो कितने स्टूडेंट्स होंगे, 6 प्लस 10, 16। अब यहाँ पर हमने जीवन को अभी काउंट नहीं किया है, तो जीवन को भी काउंट करना पड़ेगा टोटल बॉयज़ को बताने के लिए, काउंट करने के लिए। तो 6 प्लस 10, 16 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 17। सेकेंड रो की बात करें तो विकास की स्टार्टिंग से रैंक कितनी है, 10th, तो कितने बॉयज़ खड़े होंगे विकास के आगे, 9, और अगर एंड से बात करें तो कितनी रैंकिंग है, 12, दैट मीन्स विकास के पीछे कितने स्टूडेंट्स खड़े कितने बॉयज़ खड़े होंगे, 11, ठीक है। अब टोटल अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 11, 20, और एक विकास, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे सेकेंड रो में, 21। तो दोनों ही रोज़ के लिए हमने नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन बोथ द रोज टुगेदर। तो दोनों को हमको ऐड करना है, कितने बॉयज हो जाएंगे टोटल, 7 प्लस 1 8 और 1 प्लस 2 यानी कि 3, टोटल 38 बॉयज हैं दोनों ही रोज में। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है 38 का, नहीं है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूला यूज करके भी सोल्व कर सकते हैं, जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सोल्व किया,
भाई दोनों ही रोज़ के लिए अलग अलग आप फॉर्मूला यूज़ करें, नंबर ऑफ बॉयज़ काउंट करें और उनको ऐड करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 2 से ही। राजन इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड विनय इज 10 फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ बॉयज़। इफ़ देयर आर 8 बिटवीन राजन एंड विनय, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द रो। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने एक रो के लिए एक ही पर्सन के लिए रैंकिंग देखी है, ठीक है, बोथ साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, टॉप से या बॉटम से एक ही पर्सन के लिए रैंकिंग देखी है। यहाँ पर टू डिफरेंट पर्सन्स के लिए रैंकिंग दी गई है और उनके बीच में जो जितने पर्सन्स हैं वो नंबरिंग हमें दी गई है और हमसे टोटल नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो फॉर्मूला हम यूज करते आ रहे हैं एल प्लस आर माइनस वन डायरेक्ट, ये तो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये उसी जगह पर यूज होता है जहां पर एक ही पर्सन की रैंकिंग लेफ्ट और राइट से दी जाती। बट यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, कोई अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और उसको भी मॉडिफाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने यही आपसे कहना चाहता हूं कि फॉर्मूला आप ध्यान में रखें ना रखें, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए ताकि आप भूले ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर एक रो है बॉयज की जिसमें दो पर्सन की हमें रैंकिंग दी गई है, एक तो राजन की और एक विनय की। राजन की रैंकिंग है 6 फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से जो राजन की रैंकिंग है वो है 6, ठीक है, और विनय की रैंकिंग है 10 फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड से कितनी है 10th विनय की रैंकिंग। और बाद में क्या कहा जा रहा है, इफ देयर आर 8 बिटवीन राजन एंड विनय, तो यहाँ पर 8 बॉयज हैं राजन और विनय के बीच में, हमें नंबर ऑफ टोटल बॉयज जो हैं रो में वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इजीली आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो जो 6 प्लस 8 प्लस 10 कितना हो गया 24, ठीक है, कितना हो गया 24। क्यों किया मैंने ऐसा, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 बॉयज होंगे राजन के आगे, 5 बॉयज होंगे क्योंकि 6 रैंकिंग है उसकी, और विनय के पीछे कितने बॉयज होंगे 9 बॉयज होंगे। टोटल अगर इनको हम देखें कितना हो जाएगा 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 9 22, 22, और इन दोनों को भी तो गिनना पड़ेगा राजन और विनय को, तो 22 प्लस 2 24। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 6 लिया और 10 लिया और बीच के जो स्टूडेंट्स हैं बॉयज हैं उनको लिया, ठीक है। तो 6 प्लस 8 प्लस 10 24 हो गया। क्यों हमने माइनस नहीं किया, माइनस वन नहीं किया, माइनस टू नहीं किया, क्योंकि इस बार हम सिर्फ एक ही टाइम राजन को गिन रहे हैं और एक ही टाइम विनय को गिन रहे हैं, ठीक है। टू टाइम यहाँ पर काउंटिंग नहीं हुई है सेम पर्सन की, इस वजह से हमने 6 प्लस 8 प्लस 10 किया है, डायरेक्ट हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 24। तो क्या यहाँ पर ऑप्शन है, तो देखिए ऑप्शन सेकंड यहाँ पर है 24, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स नो डाउट के इस क्वेश्चन के लिए भी हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, बट जहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग लॉजिक यूज होंगे, वहाँ पर एक अलग फॉर्मूला हमको बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कन्फ्यूजन हमारा बढ़ेगा, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल ठीक से क्लियर कॉन्सेप्ट आपको बना के रखना है ताकि हर एक क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 3 से, मोहन इज 14th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 40 बॉयज, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो टाइप 3 में हम उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जिनमें हमसे पूछा जाएगा किसी भी एक एंड से उस पर्सन की रैंकिंग, उस पर्सन की पोजीशन। यहाँ पर हमें मोहन की पोजीशन बतानी है लेफ्ट एंड से, राइट एंड से दिया हुआ है, लेफ्ट एंड से हमें मोहन की पोजीशन बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है 25th, सेकेंड ऑप्शन है 27th, थर्ड ऑप्शन है 24th, फोर्थ ऑप्शन है 26th और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए देखिए अप्रोच क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, भाई रो एक है जिसमें कितने बॉयज हैं 40 बॉयज हैं, राइट से हमें रैंकिंग दी गई है, पोजीशन दी गई है 14th, किसकी, मोहन की। तो यहाँ पर मान लीजिए मोहन है और उसकी रैंकिंग है 14th, किधर से है, राइट से है। अब राइट से 14th है दैट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई राइट में मोहन के आगे अगर बात करें तो यहाँ पर कितने बॉयज होंगे भाई 13 बॉयज होंगे, तभी तो उसकी रैंकिंग 14th हुई, ठीक है, तो 13 बॉयज होंगे यहाँ पर। अगर हम 40 में से 13 माइनस कर दें तो इजीली मोहन की रैंकिंग पता चल जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से,
अगर 40 में से 13 माइनस कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड से जो मोहन की रैंकिंग है वो हमें पता चल जाएगी। भाई 14 अगर हम माइनस कर देंगे तो मोहन के आगे जो बॉय होगा उसकी रैंकिंग हमें पता चलेगी। तो 14 हमें माइनस नहीं करना है, 13 माइनस करना है ताकि मोहन की रैंकिंग लेफ्ट से हमें पता चल सके। 40 में से 13 हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा देखिए, 27। ठीक है, 27 हो जाएगा। तो रैंक हमारी लेफ्ट से मोहन की क्या होगी, 27। सेकंड ऑप्शन, तो कॉन्सेप्ट आपको वही रखना है, इजीली आप क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। मान लीजिए इसे फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना था, तो मैंने फॉर्मूला बताया था टोटल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, लेफ्ट साइड से रैंकिंग, राइट साइड से रैंकिंग और -1। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड से रैंकिंग फाइंड आउट करनी है, तो एल हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं हम, आर और ये -1 है दूसरी साइड पे जाएगा, तो टी -r+1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल बॉयज कितने हैं, 40, और राइट साइड से रैंकिंग कितनी है, 14। ठीक है, और उसमें प्लस करना है 1, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 -14 26 +1 कितना हो गया, 27। तो फॉर्मूले से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, पर कॉन्सेप्ट जरूरी है आपको ध्यान में रहना कि कॉन्सेप्ट क्या लगा हुआ है, किस वजह से यहाँ पर जो रैंकिंग है वो लेफ्ट से 27 आई है। अब क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, भारती इज 8 रैंक्स अहेड ऑफ दिव्या हु रैंक्स 26 इन अ क्लास ऑफ 42, व्हाट इज भारतीज रैंक फ्रॉम दी लास्ट। तो यहाँ पर हमें लास्ट से भारती की रैंक पोजीशन बतानी है। ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट 9th, सेकंड 24th, थर्ड 25th, फोर्थ है 34th और फिफ्थ है नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर हमें डायरेक्ट भारती की जो रैंक है वो स्टार्टिंग से नहीं दी गई है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, लास्ट से भारती की रैंक क्या है। तो यहाँ पर पहले हमें ये पता करना पड़ेगा स्टार्टिंग से जो भारती की रैंक है वो क्या है। तो स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, भारती इज 8 रैंक अहेड ऑफ दिव्या हु रैंक्स 26 इन अ क्लास ऑफ 42। तो स्टूडेंट्स पूरे कितने हैं, 42। मान लीजिए ये एक रो है जिसमें ये पूरे स्टूडेंट्स हैं 42। अब स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है और दिव्या के लिए क्या बोला गया है, जो उसकी रैंक है कितनी है, 26। तो मान लीजिए दिव्या यहाँ पर है, 26 उसकी रैंक है। ठीक है, अब भारती के लिए क्या बोला गया है, भारती इज 8 रैंक अहेड ऑफ दिव्या, तो दिव्या से 8 रैंक आ गया है। ठीक है, तो जो भारती की रैंक होगी वो दिव्या से कम होगी, कितनी कम होगी, 26 -8, यानी कि तो भारती की जो रैंक होगी वो स्टार्टिंग से 18th होगी। ठीक है, 18th पोजीशन पर भारती होगी स्टार्टिंग से। अब 18th पोजीशन पर है तो उसके आगे स्टूडेंट्स कितने होंगे, 17। ठीक है, 17 स्टूडेंट्स होंगे, तो इजीली हम लास्ट से अब भारती की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, 42 में से हम 17 अगर माइनस कर दें तो भारती की पोजीशन हमें मिल जाएगी लास्ट से। अब 17 स्टूडेंट्स क्यों हैं यहाँ पर, क्यों हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि 42 में से 17 माइनस करने पर लास्ट में कौन बचेगा, भाई इधर से 17 अगर हम माइनस कर दें तो लास्ट में कौन बचेगा, भारती, और वो जो पोजीशन होगी वही पोजीशन उसकी रैंक होगी लास्ट से। ठीक है, वो जो पोजीशन होगी वही रैंक होगी उसकी लास्ट से। तो 42 -17 कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, 25 हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भारती की रैंक होगी लास्ट से वो क्या होगी, 25। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट 9th है रॉन्ग ऑप्शन, सेकंड 24 रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन है 25, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला तो यूज कर सकते हैं, t=l+r-1। ठीक है, किसी भी तरह से राइट आपको पता करना है, राइट रैंकिंग क्या है, लेफ्ट से रैंकिंग क्या है, तो इसको यूज आप कर सकते हैं। बट उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राइट से रैंकिंग क्या है या फिर लेफ्ट से रैंकिंग क्या है। बट यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है भारती के लिए, तो पहले हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इस वजह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि रैंकिंग क्या है राइट से, और रैंकिंग अगर राइट से पता चल जाती है तो लेफ्ट से भी आप इजीली पता कर सकते हैं, और अगर लेफ्ट से अगर रैंकिंग दी गई है तो राइट से भी इजीली आप पता कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन ए इज 13th फ्रॉम लेफ्ट एंड डी इज 17th फ्रॉम दी राइट, इफ इन दिस रो ए इज 11th फ्रॉम दी राइट, देन वॉट इज दी पोजिशन ऑफ डी फ्रॉम लेफ्ट।
बहुत सही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर रैंकिंग किसकी दी गई है, तो रो है एक चिल्ड्रंस की जिसमें ए की रैंकिंग है 13th लेफ्ट से, डी की रैंकिंग है 17th राइट से, और कहा गया है कि इसी रो में ए की जो रैंकिंग है वो 11th है राइट से। तो यहाँ पर हमें ए की लेफ्ट से और राइट से रैंकिंग दी गई है, डी की राइट से रैंकिंग दी गई है और लेफ्ट से उसकी पोजिशन, उसकी रैंकिंग हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम कर सकते हैं, देखिए ए की पोजीशन हमें लेफ्ट से भी दी गई है और राइट से भी दी गई है, तो यहाँ पर हम ए के थ्रू टोटल जो चिल्ड्रन हैं उनका पता कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक रो है जहाँ पर ए की पोजीशन हमें दी गई है कितनी, 13th लेफ्ट से और राइट से कितनी दी गई है, 11th। ठीक है, तो इजीली हम टोटल जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं उनको पता कर सकते हैं भाई, अगर 13th स्टार्टिंग से लेफ्ट से उसकी रैंकिंग है तो आगे कितने चिल्ड्रन होंगे, 12। ठीक है, और लास्ट से राइट से 11th रैंकिंग है, डेट मीन्स उसके पीछे कितने चिल्ड्रन होंगे, 10। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ठीक है, 12 प्लस 10 22, 22 और 1, 22 और 1 कितना हो जाएगा, 23। भाई टाइप वन के जो क्वेश्चन देखे हैं उनमें हमने यही तो किया था, यही कॉन्सेप्ट यूज किया था और टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन हैं उनको फाइंड आउट किया था। यहाँ पर 23 हो गया, क्यों, क्योंकि ए की रैंकिंग हमें दोनों तरफ से दी गई है, डी को यूज करके हम टोटल अभी नहीं निकाल सकते थे क्योंकि डी की पोजीशन जो है वो सिर्फ राइट से दी गई है, ए की पोजीशन लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से दी गई थी, इस वजह से टोटल नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए, वो कितने हो गए, 23। अब देखिए डी की पोजीशन कितनी है, 17th है, ठीक है, 17th है राइट से। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो डी की पोजीशन हम अगर देखें तो मान लीजिए डी यहाँ पर है 17th पोजीशन पे। अब 17th पोजीशन पे है, डिट मीन्स उसके आगे अगर राइट साइड से अगर हम देखें तो उसके आगे कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर 16। ठीक है, उसके आगे कितने स्टूडेंट्स हैं, 16। अब हमें लेफ्ट से उसकी रैंकिंग देखनी है, लेफ्ट से उसकी रैंकिंग देखनी है, तो यहाँ पर 23 में से हम अगर 16 माइनस कर दें तो हमें लेफ्ट से रैंकिंग पता चल जाएगी। भाई यहाँ पर हमारे दोनों ही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, टाइप वन में जो हमने देखा और टाइप थ्री में जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, दोनों ही यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो 23 में से अगर 16 हम माइनस कर दें तो लेफ्ट से जो डी की रैंकिंग है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी, क्या हो जाएगी पोजिशन लेफ्ट से, भाई 7th। 23 माइनस 16 कितना हो गया, 7। तो यहां पर पोजीशन हम कह सकते हैं डी की जो पोजीशन होगी लेफ्ट से वो क्या होगी, 7th। ऑप्शन हमारा क्या होगा, फर्स्ट 12th है रॉन्ग ऑप्शन, सेकंड क्या है, 7th, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। और फॉर्मूला यूज करके भी आप यहां पर आंसर फाइंड आउट कर सकते थे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके पहले आप टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट कर सकते थे, भाई ए की रैंकिंग दी गई है लेफ्ट और राइट से, तो यहाँ पर रैंकिंग आप रखते, इसको सॉल्व करते तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाते, उसके बाद में इसी फॉर्मूले को वापस से यूज़ करते, 17th राइट से पोजिशन दी गई है डी की, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपने फाइंड आउट कर लिए, लेफ्ट से पोजिशन डी की आ जाती, तो आप फॉर्मूले से भी इसे फाइंड आउट कर सकते थे। बट जैसा मैंने कहा कॉन्सेप्ट ज़्यादा सही है, कारण क्या है, रीज़न क्या है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो जैसा भी आपको ठीक लगे चुनना आपके ऊपर है, सही डिसीजन लेना आपके ऊपर है, आप किसको चुनते हो वो आपके ऊपर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 टाइप 4 से है ये, रोहित इज 17th फ्रॉम दी लेफ्ट एंड ऑफ अ रो ऑफ 29 बॉयज एंड करण इज 17th फ्रॉम द राइट एंड इन द सेम रो, हाउ मैनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम इन द रो। अलग टाइप का क्वेश्चन है, इजीली आपको शो हो गया होगा क्या पूछा जा रहा है हमसे, हाउ मैनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम, यानी कि कोई दो पर्सन हैं उनके बीच में कितने बॉयज हैं ये हमको फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 3 बॉयज हैं, सेकेंड 5 बॉयज़ हैं, थर्ड 6 बॉयज़ हैं, फोर्थ ऑप्शन है डाटा इन एडिक्वेट कि डाटा हमारे पास में पर्याप्त नहीं है आंसर फाइंड आउट करने के लिए, फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होता है, रोहित इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ अ रो ऑफ 29 बॉयज एंड करण इज 17 फ्रॉम द राइट एंड इन द सेम रो। तो देखिए कई स्टूडेंट शुरुआत में ही गलत स्टेप फॉलो करते हैं, वो सोचते हैं एक रो है जिसमें रोहित 17 पर है, ठीक है 17th पोजीशन पर है लेफ्ट में, और करण जो है लास्ट से राइट से 17th पोजीशन पर है। अगर आप कुछ इस तरह से सोल्व कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, इजीली आप देख सकते हैं भाई 16 बॉयज़ यहाँ पर होंगे, रोहित के आगे 16 बॉयज़ होंगे और करण के पीछे भी 16 बॉयज़ होंगे, भाई 17 रैंक है राइट से तो 16 बॉयज़ लास्ट में होंगे, 16 प्लस 16 32 बॉयज़ हो गए,
तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, रो तो हमारे पास में 29 बॉयज की है, तो ये कॉन्सेप्ट, ये जो अप्रोच है ये तो रॉन्ग हो गया। तो ये कंडीशन तो यहाँ पर नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती भाई? जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है रो में 29 बॉयज़ हैं, वो यहाँ पर गलत हो जाता है। तो देखिए कंडीशन यहाँ पर क्या बनेगी, मान लीजिए ये रो है और रोहित के लिए बोला गया है, 17th पोजीशन है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से हम देखें तो 17th पोजीशन यहाँ पर रोहित की है, ठीक है। अब करण की पोजीशन राइट से है, कितनी है, 17th, तो कुछ इस तरह की पोजीशन हमारे पास में करण और रोहित की रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि इस जगह पर 16 बॉयज़ होंगे, करण के पीछे 16 बॉयज़ होंगे, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि करण की रैंकिंग हमने राइट से ली है। हाँ, राइट के लिए हम कह सकते हैं कि करण के राइट में इस तरफ 16 बॉयज़ होंगे। इसी तरीके से रोहित के लिए हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि 16 बॉयज़ होंगे, बट लेफ्ट में, रोहित के लेफ्ट में 16 बॉयज़ होंगे, ये हम कह सकते हैं क्योंकि लेफ्ट से रैंकिंग 17th है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई भी स्टेटमेंट हमारा गलत साबित नहीं हो रहा, तो इस तरह की पोजीशन यहाँ पर बन सकती है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने का अप्रोच आपके क्या रहना चाहिए भाई, जब भी दो पर्संस की रैंकिंग दी गई है अलग अलग साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से या बॉटम से, मतलब अलग अलग साइड से रैंकिंग दी गई है, तब आपको क्या करना है, किसी भी एक पर्सन को लेना है, ठीक है। अगर के की राइट से रैंकिंग दी गई है तो उसकी लेफ्ट से रैंकिंग फाइंड आउट करनी है, या फिर आप आर को लेते हैं तो उसकी लेफ्ट से रैंकिंग दी गई है तो आपको राइट से रैंकिंग फाइंड आउट करनी है। उससे होगा क्या भाई, के की अगर बात करें भाई, लेफ्ट से रैंकिंग अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो, लेफ्ट से अगर रैंकिंग फाइंड आउट कर लेते हो, और आर की भी रैंकिंग क्या है, लेफ्ट से है, तो आप इजीली बीच में जो भी बॉयज हैं उनको काउंट कर पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से रोहित की बात करें, लेफ्ट से रैंकिंग दी गई है, अगर राइट से हमने रैंकिंग फाइंड आउट कर ली उसकी, तो हम इजीली इन दोनों के बीच में रैंक जो जो भी बॉयज़ हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि के की रैंकिंग भी राइट से है। तो किसी भी एक पर्सन को आपको लेना है, और उसकी अदर साइड से, अगर लेफ्ट साइड से दी गई है तो राइट साइड से रैंकिंग फाइंड आउट करनी है, राइट साइड से दी गई है तो लेफ्ट साइड से रैंकिंग फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम रोहित के लिए रैंकिंग फाइंड आउट करते हैं राइट से, ठीक है। लेफ्ट के लिए दी गई है 17th है, राइट से इसकी रैंकिंग क्या हो जाएगी, तो देखिए लेफ्ट से अगर हम देखें तो भाई 16 बॉयज़ इसके आगे होंगे, ठीक है। 17th रैंक है लेफ्ट से, तो 16 बॉयज़ इसके आगे होंगे, 29 बॉयज़ हैं टोटल। तो अगर लास्ट से राइट से हमें रैंकिंग फाइंड आउट करनी है, तो 29 में से हम 16 माइनस कर लें, ठीक है। 29 में से अगर 16 हम माइनस कर लेते हैं तो जो राइट से पोजीशन है रोहित की वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इजीली आप माइनस कर सकते हो, 30 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 14, और एक हमने बढ़ाया तो उसको भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो 13 रैंक आएगी, ठीक है। रोहित की रैंक कितनी आ जाएगी, 13, किधर से, राइट से। अब जबकि रोहित की रैंक राइट से हमने फाइंड आउट कर ली है, तो जो करण और रोहित के बीच में बॉयज हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली भाई। करण की जो रैंकिंग है वो भी राइट से है, रोहित की रैंकिंग हमने राइट से फाइंड आउट कर ली, तो अगर हम ये करते हैं 17 माइनस 13, तो आपके पास में आंसर आएगा 4, बट ये आपका रॉन्ग आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करण को भी आप साथ में ले रहे हो, ठीक है। क्यों? अगर मान लीजिए 13 को आपने माइनस कर दिया तो रैंकिंग कौन सी होगी, 14th, 15th, 16th और 17th, तो आपको 17th को भी नहीं लेना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये पूछा गया है करण और रोहित के बीच में कितने बॉयज होंगे, तो 17th को भी आपको नहीं लेना है। अगर आप इस तरह से सॉल्व करते हैं 17 माइनस 13, तो आपको एक और माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 17 माइनस 13 करते हैं तो आपको एक और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस पर्सन को भी नहीं गिनना है, ठीक है, इस पर्सन को भी काउंट नहीं गिनना है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 14th रैंक वाला, 15th रैंक वाला और 16th रैंक वाला, ठीक है, ये तीन ही बॉयज होंगे रोहित और करण के बीच में। आंसर हमारा क्या होगा, 3, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा। और यहाँ पर आप करण की पोजीशन लेफ्ट से फाइंड आउट करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे भाई। करण की पोजीशन लेफ्ट से फाइंड आउट करने के बाद में रोहित की पोजीशन हमें लेफ्ट से दी गई है, तो दोनों के बीच में कितने बॉयज़ हैं ये इजीली फाइंड आउट हो जाता, और फॉर्मूला यूज़ करके भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट से अगर आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ईजिली आपको ध्यान में भी रहेंगे और आप भूलेंगे नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, टाइप 4 से ही। इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन, पी इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड क्यू इज 9th फ्रॉम द राइट एंड, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन पी एंड आर, इफ आर इज 4th
टू दी लेफ्ट ऑफ क्यू। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास में टू पर्सन थे, उनके बीच में कितने बॉयज हैं ये हमको काउंट करना था, बट यहाँ पर एक थर्ड पर्सन है जिसका अदर पर्सन के साथ में रिलेशन है। उस रिलेशन को देखते हुए हमें फाइंड आउट करना है पी और आर के बीच में कितने चिल्ड्रन हैं। तो देखिए किस तरह से सोल्व होगा ये। क्या है, रो है जिसमें 40 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो एक रो है जिसमें 40 चिल्ड्रन है, पी की पोजीशन दी गई है लेफ्ट से कितनी 13। मान लीजिए पी की पोजीशन यहाँ पर है लेफ्ट से 13, ठीक है। और क्यू की पोजीशन दी गई है 9th फ्रॉम द राइट, तो राइट एंड से क्यू की पोजीशन है कितनी 9th, ठीक है। राइट पोजीशन से, राइट एंड से क्यू की पोजीशन है 9th। अब यहाँ पर देखिए क्या ये स्टेटमेंट 40 चिल्ड्रन का क्या गलत हो रहा है क्या भाई, 13 लेफ्ट से है पी की पोजीशन, तो इसके यहाँ पर 12 चिल्ड्रन होंगे और 9th पोजीशन है क्योंकि राइट से, डेट मीन्स यहाँ पर 8 चिल्ड्रन हो गए। तो 12 प्लस 8 20, ठीक है 20 चिल्ड्रन है और बीच में कितने ये हमको फाइंड आउट करना है, बट ये जो कंडीशन है 40 चिल्ड्रन की ये यहाँ पर फॉल्स नहीं हो रही, तो इस कंडीशन को लेकर हम यहाँ पर चल सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है, आर इज फोर्थ टू दी लेफ्ट ऑफ क्यू, तो क्यू के लेफ्ट में फोर्थ है। अब क्यू के लेफ्ट में फोर्थ है तो इस साइड पर आएगा, अब 9 प्लस 4, ठीक है 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, तो आर किस पोजीशन पर होगा 13 पर, किधर से, राइट एंड साइड से, ठीक है क्योंकि पोजीशन राइट से हम गिन रहे हैं 9th है, और आर के लिए बोला गया है कि वो क्यू के लेफ्ट में है फोर्थ पोजीशन पर, ठीक है क्योंकि लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन पर है, तो क्योंकि लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन पर कौन सी रैंकिंग होगी, राइट से 13th। तो यहाँ पर हमारे पास में पी की रैंक हमारे पास में है लेफ्ट से 13, आर की रैंक है हमारे पास में राइट से 13, और पी और आर के बीच में कितने चिल्ड्रन है ये हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए आर की पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद में क्या हमारा स्टेटमेंट गलत हो रहा है 40 चिल्ड्रन वाला, तो यहाँ पर 12 चिल्ड्रन है, पी के आगे 12 चिल्ड्रन है, आर के उधर राइट हैंड साइड पर 12 चिल्ड्रन है, 12 प्लस 12 24 हो रहा है, ठीक है। तो अभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि जो स्टेटमेंट है वो इस डायग्राम से, इस तरह से पोजिशनिंग करने से गलत हो रहा है, तो हम यहाँ पर अभी इस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक कोई स्टेटमेंट यहाँ पर गलत नहीं हो रहा है, तो हम इस कंडीशन को नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करना है हमें भाई, या तो पी की पोजीशन हमें राइट से चेक करनी है, ठीक है, या फिर आर की पोजीशन हमें लेफ्ट से फाइंड आउट करनी है, तो कोई भी एक की पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए पी की हम फाइंड आउट करते हैं पोजीशन राइट से, क्योंकि आर की राइट से हमें पोजीशन पता है। पी की पोजीशन क्या हो जाएगी, देखिए इधर 12 है, ठीक है, लेफ्ट से अगर देखें तो 12 चिल्ड्रन है पी के आगे, यहाँ पर कितने चिल्ड्रन हैं 12 चिल्ड्रन है आगे, तो लास्ट से राइट हैंड साइड से इसकी पोजीशन चेक करने के लिए हम भाई टोटल में से 12 माइनस कर लें, टोटल में से अगर 12 हम माइनस कर लेते हैं तो पी की पोजीशन क्या आ जाएगी 28 आ जाएगी राइट से, होगी। अब जबकि पी की और आर की पोजीशन हमें राइट से पता है, तो इजीली इनके बीच में कितने चिल्ड्रन हैं ये फाइंड आउट हम कर सकते हैं भाई, 28 माइनस 13 माइनस 1 हम करेंगे भाई, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है क्यों, 28 माइनस 13 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 28 को भी हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, इस वाली रैंक को भी हम काउंट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है 28 माइनस 13 माइनस 1 करना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या आ जाएगा, 28 माइनस 14 आंसर हमारा होगा 14। तो यहाँ पर हम कहेंगे P और R के बीच में कितने चिल्ड्रन होंगे 14 चिल्ड्रन होंगे। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन कितना है 14, ये हमारा राइट आंसर होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है दी ट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखें, 24 आवर्स के अंदर में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 टाइप 5 से, इन अ रो ऑफ 21 गर्ल्स व्हेन मोनिका वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टुवर्ड्स द राइट सी बिकम 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। तो फ्रेंड्स टाइप 5 में शिफ्टिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन से कोई भी एक पर्सन अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा, तो हमसे पूछा जाएगा भाई उसकी अब की जो पोजीशन है वो क्या है या फिर प्रीवियस पोजीशन क्या थी, इस तरह के क्वेश्चंस टाइप 5 में है। अब इनको किस तरह से सोल्व करना है ये देखिएगा, रो में कितनी गर्ल्स हैं 21 गर्ल्स हैं, ठीक है, तो मान लीजिए एक रो है जिसमें 21 गर्ल्स हैं। अब मोनिका की पोजीशन के लिए क्या बोला गया है, मोनिका वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, मान लीजिए मोनिका की पोजीशन पहले ये थी,
अर्लियर में ये थी और वो चार प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो राइट की तरफ शिफ्ट हो गई मतलब इधर शिफ्ट हो गई, इधर शिफ्ट होने के बाद में उसकी पोजीशन क्या हो गई, ट्वेल्थ हो गई, किधर से, लेफ्ट से, ठीक है। लेफ्ट से उसकी रैंकिंग कितनी हो गई, ट्वेल्थ हो गई। अब हमें इस पोजीशन पर देखना है कि उसकी रैंकिंग कितनी थी लेफ्ट से, तो फोर प्लेसेस वो शिफ्ट हुई, ठीक है, फोर प्लेसेस वो शिफ्ट हुई राइट की तरफ। अगर ट्वेल्थ में से हम फोर माइनस कर दें तो उसकी अर्लियर पोजीशन हमें मिल जाएगी लेफ्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 12 माइनस 4 हम करते हैं तो 8th आ जाएगी रैंक, ठीक है। तो मोनिका की जो अर्लियर पोजीशन थी वो 8th थी, ठीक है। तो लेफ्ट से ये पोजीशन आई है 8th। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम दी राइट एंड ऑफ द रो, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में लेफ्ट से पोजीशन है, राइट से हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे भाई, इसके आगे कितनी गर्ल्स होंगी, 7 गर्ल्स होंगी, ठीक है। अब 7 गर्ल्स होंगी, अगर 21 में से हम 7 गर्ल्स माइनस कर दें तो जो मोनिका की पोजीशन होगी राइट से वो फाइंड आउट हो जाएगी भाई लास्ट में। अगर राइट से बात करें तो लास्ट में मोनिका ही बचेगी, और 7 माइनस करने के बाद में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो लास्ट वाली पोजीशन मोनिका की होगी। तो 20 माइनस 7 हम कर देते हैं तो 14th आता है, तो 14th पोजीशन होगी राइट से मोनिका की, ठीक है। 14th पोजीशन होगी राइट से मोनिका की। ऑप्शन हम देख लेते हैं, फर्स्ट रोंग है, सेकंड रोंग होगा, 10th दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन 11th है रोंग होगा, फोर्थ ऑप्शन 12th है रोंग होगा, फिफ्थ ऑप्शन 14th है, इस वजह से ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 टाइप 5 से ही। जॉर्ज इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड पीटर इज 12th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन। इफ पीटर शिफ्ट्स बाय 3 प्लेसेस टुवार्ड्स जॉर्ज, ही बिकम्स 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है कि जो रो में चिल्ड्रन है वो कितने हैं। क्या बोला गया है, जॉर्ज इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड पीटर इज 12th फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो मान लीजिए एक रो है चिल्ड्रंस की, जहाँ पर जॉर्ज की हमें पोजीशन दी गई है लेफ्ट से, कितनी है, 5th है, और पीटर की हमें पोजीशन दी गई है राइट से, पीटर की पोजीशन राइट से दी गई है 12th, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम यहाँ पर अभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि किसी भी एक पर्सन की हमारे पास में दोनों तरफ की पोजीशन होनी चाहिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए, ठीक है। अब क्या बोला गया है आगे, इफ पीटर शिफ्ट्स बाय 3 प्लेसेस टुवार्ड्स जॉर्ज, ही बिकम्स 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 3 प्लेसेस पर आगे खिसक जाता है पीटर, ठीक है, शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पर 3 प्लेसेस शिफ्ट होगा भाई लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, क्योंकि जॉर्ज पीटर के लेफ्ट में है, ठीक है। अब यहाँ पर शिफ्ट हुआ 3 प्लेसेस, तो राइट से अगर पोजिशन की मैं बात करूँ, ठीक है, राइट से पोजिशन की बात करूँ तो 15th होगा, राइट से पोजीशन की बात करो तो 15th हो जाएगी भाई 12 प्लस 3, ठीक है, 15th हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो उसकी पोजीशन होगी नहीं वो 10th होगी लेफ्ट से, तो 10th पोजीशन होगी लेफ्ट से। अब देखिए, पीटर की हमें पोजीशन मिल गई है राइट से और लेफ्ट से, राइट से कितनी है 15th और लेफ्ट से कितनी है 10th, तो ईजिली हम भाई टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन काउंट कर सकते हैं। अगर राइट से 15th है तो राइट में कितने चिल्ड्रन होंगे, 14, लेफ्ट से 10th है तो लेफ्ट में कितने चिल्ड्रन होंगे, 9, और पीटर को भी तो हमें काउंट करना है भाई, दोनों तरफ से पीटर को भी तो हमें काउंट करना है, तो पीटर एक खुद, ठीक है, एक इसको हम मानेंगे पर्सन, तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 14 कितना हो गया, 24 होगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा हमारा राइट होगा, फर्स्ट 21 दिया हुआ है रॉन्ग ऑप्शन होगा, सेकेंड 22 दिया हुआ है ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन क्या है 23, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है 24, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इजीली इनके आंसर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 टाइप 6 से। इन अ रो ऑफ बॉयज, इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट इंटरचेंज देयर पोजीशंस, ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन दी रो। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक रो है बॉयज की जिसमें ए की जो पोजिशन है लेफ्ट से 10th है, बी की जो पोजिशन है राइट से 9th है। अब उसके बाद में क्या हुआ, उन दोनों ने अपनी पोजिशन को इंटरचेंज किया, बदल लिया, उसके बाद में ए की जो पोजिशन है वो 15th हो गई लेफ्ट से। हमको क्या फाइंड आउट करना है, जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं रो में वो हमको फाइंड आउट करना है।
और इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास में, फर्स्ट 23, सेकंड 27, थर्ड 28, फोर्थ है 31, फिफ्थ नन ऑफ दिस। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं हुआ तो फिफ्थ हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। भाई एक रो है बॉयज की जिसमें ए और बी की पोजीशन दी गई है, ए की पोजीशन दी गई है लेफ्ट से कितनी है 10th है, ठीक है, और बी की पोजीशन दी गई है राइट से कितनी 9th। अब क्या हुआ, इन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो एक्सचेंज की, इंटरचेंज की, तो वहां पर जहां पर ए था वहां पर बी आ गया और जहां पर बी था वहां पर ए आ गया। अब देखिए बी की पोजीशन 9th थी राइट से, तो ए की पोजीशन भी राइट से 9th हो जाएगी, भाई इंटरचेंज हो गए। बी की पोजीशन, ए की पोजीशन लेफ्ट से 10th थी तो बी की पोजीशन लेफ्ट से 10th हो जाएगी। अब देखिए एक और स्टेटमेंट यहां पर कहा गया है, जब उन्होंने पोजीशन चेंज की ए बिकम्स 15th फ्रॉम दी लेफ्ट, तो लेफ्ट से उसकी जो पोजीशन है वो 15th हो गई, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास में ए की राइट से भी पोजीशन है, लेफ्ट से भी पोजीशन है, तो इससे हम टोटल नंबर ऑफ बॉयज हैं उनको काउंट कर सकते हैं। भाई लेफ्ट से 15th पोजीशन है, ठीक है, 15th रैंक है लेफ्ट से, तो यहाँ पर जो बॉयज होंगे उसके आगे 14th होंगे, ठीक है, 14 होंगे। और राइट की अगर मैं बात करूँ रैंक कितनी है 9th है, डेट मीन्स 8 बॉयज होंगे, ए के पीछे 8 बॉयज होंगे, तो 14 प्लस 8 कितने हो गए 22। और इसमें हमें ए को भी तो काउंट करना है भाई, ए के लेफ्ट हैंड साइड पर जितने बॉयज थे, ए के राइट हैंड साइड पर जितने बॉयज थे उनको हमने काउंट कर लिया, 14 प्लस 8 22, ए को भी तो हम काउंट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जो बॉयज हैं वो कितने आ जाएंगे 23। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा 23। अब टाइप 6 से ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट्स लाइन अप इन अ क्यू इन विच आशीष स्टैंड्स 15 फ्रॉम दी लेफ्ट एंड सचिन इज 7th फ्रॉम दी राइट। इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस सचिन वुड बी 15th फ्रॉम दी राइट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी क्यू। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है स्टूडेंट्स एक क्यू में खड़े हुए हैं जहां पर आशीष की पोजीशन दी गई है 15th है लेफ्ट हैंड साइड से, और सचिन की पोजीशन दी गई है 7th है राइट हैंड साइड से। अगर वो अपनी जो पोजीशन से वो चेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तो सचिन की जो पोजीशन है वो 15th हो जाएगी राइट से। और हमसे ये पूछा गया है कि जो क्यू में स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट 21, सेकंड 22, थर्ड 29, फोर्थ है नन ऑफ दिस, और फिफ्थ है ऑल ऑफ दी अबव। तो सोल्व कर लेते हैं इसे। देखिए एक क्यू है स्टूडेंट्स की, मान लीजिए ये क्यू है स्टूडेंट्स की जहाँ पर आशीष की पोजीशन दी गई है लेफ्ट से, कितनी है आशीष की पोजीशन लेफ्ट से 15th, ठीक है, और सचिन की पोजीशन दी गई है राइट से कितनी है 7th। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशंस को बदल लिया, आशीष की जगह पर सचिन आ गया, सचिन की जगह पर आशीष आ गया, तो जहाँ पर आशीष था उस पोजीशन को हमने 15th बोला था, ठीक है, तो यहाँ पर सचिन की जो पोजीशन होगी लेफ्ट से 15th हो जाएगी, और आशीष की राइट से पोजीशन कितनी हो जाएगी 7th। अब एक और स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, इफ़ दे इंटरचेंज दियर प्लेसेस सचिन वुड बी 15th फ्रॉम दी राइट, तो सचिन की जो पोजीशन है वो राइट से भी क्या होगी 15th होगी, किस तरफ से होगी राइट से 15th होगी। अब देखिए सचिन के लिए लेफ्ट से भी हमें पता है 15th पोजीशन है, राइट से भी हमें पता है 15th पोजीशन है, तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो हमें पता चल जाएंगे। भाई इधर 14 स्टूडेंट्स होंगे और दूसरी साइड पर भी, लेफ्ट हैंड साइड पर 14 स्टूडेंट्स होंगे, राइट हैंड साइड पर भी 14 स्टूडेंट्स होंगे, 14 प्लस 14 कितने हो गए 28, और एक सचिन को भी तो काउंट किया जाएगा। भाई सचिन के लेफ्ट के स्टूडेंट्स को हमने काउंट कर लिया, सचिन के राइट के स्टूडेंट्स को हमने काउंट कर लिया, अब सचिन को भी तो काउंट हमें करना पड़ेगा, तभी तो टोटल स्टूडेंट्स हम आंसर कर पाएंगे। तो 14 प्लस 14 प्लस 1 डेट मीन्स 29। देखिए ऑप्शंस यहाँ पर दिया हुआ है क्या, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन 29 का है, इस वजह से ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स बस आपका कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, आंसर्स आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन दीप्ति इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड कशिश इज 13th फ्रॉम द राइट, दे एक्सचेंज देयर पोजीशंस एंड देन दीप्ति बिकम 17th फ्रॉम द लेफ्ट, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ कशिश फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर पोजीशन पूछी गई है कशिश की राइट से, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमसे नहीं पूछे गए हैं,
पोजीशन के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रो है चिल्ड्रन की, दीप्ति की जो पोजीशन है वो 9th है लेफ्ट से, और कशिश की जो पोजीशन है 13th है राइट से। उसके बाद में वो एक्सचेंज करते हैं अपनी पोजीशन, और दीप्ति की जो पोजीशन है वो 17th हो जाती है लेफ्ट से। उसके बाद में हमको ये पूछा गया है कि जो नई पोजीशन होगी कशिश की वो राइट से क्या होगी, और ऑप्शन हमें दिए गए हैं फर्स्ट 20, सेकेंड 21, थर्ड 27, फोर्थ 31, या फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है। एक रो है चिल्ड्रन की जिसमें दीप्ति की पोजीशन हमें दी गई है लेफ्ट से, क्या है 9th, और कशिश की पोजीशन हमें दी गई है राइट से 13th। अब उन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज किया, बदल लिया, दीप्ति की जगह पर कशिश आ गई और कशिश की जगह पर दीप्ति आ गई। तो दीप्ति की जो नई पोजीशन है भाई 13th है राइट से, क्योंकि कशिश की पोजीशन राइट से 13th थी, और कशिश की पोजीशन क्या हो गई अब 9th हो गई लेफ्ट से, क्योंकि दीप्ति की जो पोजीशन थी पहले लेफ्ट से 9th थी। अब एक और स्टेटमेंट यहाँ पर बोला गया है भाई, पोजीशन चेंज करने के बाद में दीप्ति बिकम 17th फ्रॉम द लेफ्ट, तो दीप्ति की जो पोजीशन है वो 17th हो गई लेफ्ट से पोजीशन एक्सचेंज करने के बाद में। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ कशिश फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। तो लेफ्ट से हमें कशिश की पोजीशन पता है 9th है, राइट से पता नहीं है, और राइट से हमें पोजीशन कशिश की पता करना है, और उसको किस तरह से पता किया जा सकता है, जब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होंगे, ठीक है। और उसको किस तरह से पता किया जाएगा भाई, दीप्ति की पोजीशन हमें लेफ्ट से भी पता है और राइट से भी पता है, तो यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई लेफ्ट से पोजीशन क्या है 17th, तो लेफ्ट में दीप्ति के लेफ्ट में कितने चिल्ड्रन होंगे 16, राइट से पोजीशन क्या है 13, तो राइट में कितने चिल्ड्रन होंगे 12, और एक दीप्ति को भी काउंट करना पड़ेगा भाई, दीप्ति के लेफ्ट में 16 है, दीप्ति के राइट में 12 है, और एक दीप्ति को भी काउंट करना पड़ेगा, तो 16 प्लस 1 प्लस 12 कितना हो जाएगा 29, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 29। तो अब हम कशिश की राइट से पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, भाई लेफ्ट से हमें पता है 9th पोजीशन है, डेट मीन्स लेफ्ट में 8 चिल्ड्रन होंगे, ठीक है 8 चिल्ड्रन होंगे। अगर हम 29 में से 8 चिल्ड्रन माइनस कर दें तो राइट से कशिश की जो पोजीशन होगी लास्ट पोजीशन होगी, और उतने ही स्टूडेंट्स होंगे, तो उस पोजीशन को ही हम कशिश की पोजीशन बोलेंगे, ठीक है। तो 29 में से अगर मैं 8 माइनस करता हूँ तो कितने हो जाएंगे 21, और जो कशिश की पोजीशन होगी राइट से वो कितनी होगी 21st, ठीक है 21st। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 20, सेकेंड ऑप्शन है 21, ठीक है। तो यही उसकी पोजीशन होगी कशिश की राइट एंड से, यही हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो वही यूज होगा, आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है और क्वेश्चंस को सोल्व करना है।